शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम यह वह के व्याकरण सीखे थे ना। आज हम कुछ और वाक्य सीखेंगे। ओके, यस्टरडे वी हैव लर्न ग्रामर, टुडे वी विल प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस अबाउट यह और वह सेंटेंसेस। ओके, आई हैव गिवन हियर सम सेंटेंसेस, यू हैव टू ट्रांसलेट these sentences into Hindi, okay? See here children, read the heading, Gruhakarya. Gruhakarya means homework. Gruhakarya, Vyakaran. इस grammar के बारे में हम आज Gruhakarya करेंगे, okay? Read first sentence, this is a carrot. This means, yes, remember that and write here, This is a carrot. Carrot को हिंदी में क्या कहते हैं? Carrot को हिंदी में गाजर कहते हैं। गाजर, गाजर, carrot. This is a carrot. This का मतलब क्या है? आप यह लिखिए और बाकी का वाक्य बनाकर लिखिए। Okay? Translate this into Hindi. You know this means yes, यह. This means यह. यह एक गाजर है। आई एम सेइंग दिस वन, यू हैव टू डू द रिमेनिंग। ओके, दिस इज ए कैरेट, यह एक गाजर है। लाइक दैट यू हैव टू राइट ऑल द सेंटेंसेस। ओके, सी नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दैट इज ए फ्लावर, दैट इज ए फ्लावर। सी है, सी आई ड्रॉ हियर फ्लावर अवे फ्रॉम द सेंटेंस। दैट मीन्स विच इज लॉन्ग, विच इज सो अवे फ्रॉम अस। दैट मीन्स Yes, वह, that means वह. Next, that is a flower. Flower means फूल. Flower को हिंदी में फूल कहते हैं. फा बड़ी उमात्रा फूल, ला फूल, right here. That is a flower. Translate this sentence into Hindi and write there. Now see third one. This is an egg. This is an egg. This means, you know that. This means, if you don't know, if you didn't understand this, once again, check the previous video, yesterday's video, okay? This is an egg. Egg ko Hindi mein kya kahate hai? Anda. So, you write this sentence with your own, okay? All the sentences are almost same. Just this, that will change. And the carrot, flower, egg, that will change. That is an umbrella. That is an umbrella. Umbrella को हिंदी में क्या कहते हैं? छाता या छतरी. That is an umbrella. That को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, आप लिखिए. That is an umbrella. Umbrella को हिंदी में छाता कहते हैं. छा, second छा. छा को आ की मात्रा छा, ता को आ की मात्रा ता, छाता. Write that sentence, okay? Now see fifth one. That is an apple. That is an apple. That को क्या कहते हैं वो लिखिए. और यह कितने apple है? Only one. Yes, no children? Write that. One को हिंदी में क्या कहते हैं? एक. एक कहते हैं. Apple को हिंदी में क्या कहते हैं? सेब. सा को एक ही मात्रा सेब, सेब, सेब कहते हैं. इस को हिंदी में क्या कहते हैं? है, हाँ को आई की मात्रा है। है कहाँ लिखना चाहिए? सेंटेंस के लास्ट में, एंड, एंड में लिखना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट फुल स्टॉप, ओके, फॉर एवरी सेंटेंस इन हिंदी। हाउ टू राइट फुल स्टॉप आई हैव सेड टू यू। ओके, नाउ सी सिक्स्थ वन, दिस इज ए फ्लैग। दिस को क्या कहते हैं वो लिखिए, और इस को क्या कहते हैं? हाई कहते हैं, वो लास्ट में लिखिए। और कितने फ्लैग है यहाँ? सिर्फ एक, वो लिखिए। और फ्लैग को क्या कहते हैं हिंदी में? झंडा, झाकू, बिंदी, झंडा को आगे मात्रा डा, झंडा। दिस इज ए फ्लैग। ओके, नाउ सी सेवेंथ वन, दिस इज ए काइट। दिस इज ए काइट। दिस को हिंदी में क्या कहते हैं वो लिखिए, और कितने काइट है? सिर्फ एक, वो लिखिए। और काइट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट वी सेड इन हिंदी काइट? यस, यू हैव लर्न्ड। काइट मींस पतंग, पतंग। ओके,
right here. Once, if you don't understand, once see the last video and complete the worksheet, okay? Thank you.